जीएसटी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में पहला आम बजट पेश किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अरुण जेटली ने अपने बजट का अधिकतर हिस्सा हिंदी में पढ़ा। हालांकि बजट हिंदी में पेश किए जाने को लेकर पहले ही जोरदार बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन अरुण जेटली ने बजट का अधिकांश हिस्सा हिंदी में पढ़ा और बाकी अंग्रेजी में। बजट में क्या खास रहा, आइए आपको दिखाते हैं। बजट के बाद पेट्रोल डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 1,00,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। वेतन भोगियों को राहत देने के लिए जेटली को बधाई, पीएम मोदी। बजट में सीनियर सिटीजन का ध्यान रखा गया, होंगे कई फायदे, पीएम मोदी। स्वास्थ्य बीमा के 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स से छूट, पीएम मोदी। कामकाजी महिलाओं के लिए बजट काफी मददगार साबित होगा, पीएम मोदी। मेडिक्लेम पर 50,000 रुपए तक की छूट से फायदा, बजट ने मिडिल क्लास को ज्यादा सेविंग के मौके दिए। 24 नए मेडिकल कॉलेज बनने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। आयुष्मान योजना देश को स्वस्थ रखने का काम करेगी। बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना। आयुष्मान योजना से 125 करोड़ देशवासियों को लाभ पहुंचेगा। उज्ज्वला योजना का लक्ष्य 5 से बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए ऊर्जा केंद्र तैयार होंगे। सब्जी और फल बेचने वालों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। गोवर्धन योजना से गांव स्वच्छ बनेंगे। बजट से मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आएगा। 2.25 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन देने का लक्ष्य। ये बजट किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। देश के विकास में किसानों का अहम योगदान। बजट में छोटे व्यापारियों की मदद की कई योजनाएं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की समस्या दूर करेगा बजट। ये बजट लोगों को सशक्त करने वाला। सांसदों की सैलरी बढ़ाने के फैसले की शशि थरूर ने की तारीफ। मेडिकल बिलों में 15,000 की छूट नहीं रहेगी। आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि ये बजट पूरी तरह से चुनावी है। बजट भाषण पूरा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से महंगे होंगे मोबाइल टीवी। एजुकेशन सेस 3 से बढ़ाकर 4% किया गया। मोबाइल टीवी के अलावा अन्य चीजों पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। आइए आपको बता दें कि जेटली ने क्या कहा। मोबाइल फोन पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। बजट के बीच सेंसेक्स में भारी गिरावट, 438 पॉइंट नीचे गया बाजार। टीवी पर 15% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। 1,00,000 से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स। ई असेसमेंट स्कीम पूरे देश में लागू होगी। 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे शेयरों पर 10% टैक्स। बुजुर्गों के लिए FDRD पर ब्याज टैक्स फ्री। इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों को डिपॉजिट पर राहत दी जाएगी। डिपॉजिट पर छूट 10 से बढ़ाकर 50,000 रुपए हुई। 40,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की फिर से शुरुआत होगी। 250 करोड़ की कंपनियां 25% टैक्स दायरे में। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। काले धन के खिलाफ लड़ाई का देश को हुआ फायदा। 100 करोड़ टर्नओवर वाली कृषि कंपनियों पर टैक्स नहीं। टैक्स देने वालों की संख्या 20 लाख के पास पहुंची। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से 12.6% कलेक्शन बढ़ा। नोटबंदी से 1,000 करोड़ का टैक्स आया। इनकम टैक्स से 90,000 करोड़ की कमाई हुई। टैक्स देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। सांसदों का वेतन हर 5 साल में बढ़ेगा। सरकारी खजाने को तगड़ा घाटा हुआ है। मुंबई में 90 किलोमीटर रेल पटरी का विस्तार। मुंबई लोकल के दायरे को बढ़ाया जाएगा। उपराष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाने का भी प्रस्ताव। 2018 के लिए नई रक्षा नीति का ऐलान। प्रधानमंत्री की भी सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव। राष्ट्रपति गवर्नर की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। RBI एक्ट में संशोधन किया जाएगा। कई सरकारी कंपनियों को शेयर बाजार में लाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में विनिवेश का रास्ता खुलेगा। कंपनियों की विनिवेश से 1,00,000 करोड़ जुटाएंगे। हर कारोबार को UID दी जाएगी। रेलवे की बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेशनों पर वाईफाई CCTV पर जोर। 600 करोड़ हवाई अड्डे बनाने की योजना। बिटकॉइन जैसी करेंसी देश में नहीं चलेगी। 1,00,000 ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा। 2.5 लाख गाँव में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा दिया जाएगा। हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। इंटरनेशनल लेवल के 16 एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे। देश में एयरपोर्ट की संख्या अब 124 पहुंची। 3600 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। 4000 से ज्यादा मानव क्रॉसिंग बंद किए जाएंगे। सारी रेल लाइनें ब्रॉड गेज लाइन में बदल दी जाएंगी। देश में अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर रेल चलेगी। रेलवे पर 1,48,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। रेलवे में विद्युतीकरण को जोर दिया जा रहा है। 10 शहरों का आइकॉनिक टूरिज्म लोकेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा। 9000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का काम पूरा। अभी तक 99 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया। 70 लाख नई नौकरियां देने की योजना।
नई नौकरियों में 12% ईपीएफ देगी सरकार। हर जिले में स्किल सेंटर खोले जाएंगे। 2020 तक 50 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। छोटे उद्योगों के लिए 3,794 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। पीएम आवास योजना में अभी तक 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण। टीबी मरीजों को हर महीने 500 रुपए की मदद। शिक्षकों के लिए बीएड प्रोग्राम को नया क्लेवर देंगे। प्रधानमंत्री रिसर्च फॉलो स्कीम की शुरुआत करेगी सरकार। गंगा की सफाई के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध। पीएम जीवन बीमा योजना से 5.22 करोड़ परिवारों की हुई मदद। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना लागू करने की तैयारी। 5 संसदीय क्षेत्रों पर 1 मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी। हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सालाना मेडिक्लेम। 5 लाख स्वास्थ्य केंद्र लोगों के घर के पास बनेंगे। लोगों को मुफ्त दवाइयां देने की योजना।